देखिए नवजोत, हलचल काफी बढ़ गई है अब एनसीबी ऑफिस के सामने। अब जो बड़ी खबर आएगी कुछ देर बाद वो नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो के ऑफिस से ही आने वाली है। थोड़ी ही देर में यहाँ पर डायरेक्टर जनरल, डिप्टी डायरेक्टर जनरल अशोक जैन यहाँ पर आएंगे और वो यहाँ पर खुलासे करने वाले हैं कि अब तक उनकी जानकारी में क्या क्या सामने आया है। यहाँ तमाम मीडिया कर्मियों ने अपने ट्राइपॉड्स लगा लिए हैं। बताया गया है कि थोड़ी देर में ही ऑफिशियल यहाँ पर मौजूद होंगे और तमाम जानकारियां देंगे। दीपेश सावंत, सुशांत सिंह राजपूत के अकाउंटेंट, वो इस वक्त अंदर ही हैं। कल रात भर उनसे पूछताछ करी गई, आज सुबह भी उनसे पूछताछ करी गई है। ड्रग प्रोक्योरमेंट मामले में उनका नाम भी सामने आया है। तो सिर्फ सैमुअल मिरांडा साथ में नहीं है, अब दीपेश सावंत भी एक इंपॉर्टेंट कैरेक्टर बन गया है इस पूरी कहानी में, जिसे कल रात से पूछताछ करी जा रही है। विटनेस बनने की बात से एनसीबी के अधिकारियों ने फिलहाल मना कर दिया है। ये कहा है कि पूछताछ अभी भी जारी है। उनके पास कई और नाम सामने आए हैं नवजोत, याद रखिएगा, यही वो जगह है जहां से कई ड्रग पेडलर्स के नाम सामने आ रहे हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि अभी तक विटनेस की बात आ रही थी, क्योंकि दीपेश वो शख्स है जो कि ये पूरी डिटेल बता सकता है, घर पर मौजूद था, सुशांत के भी उतना ही क्लोज थे और दीपेश पूरी कड़ियां जोड़ने में काफी अहम किरदार साबित हो सकते हैं। जी हाँ, विटनेस होने की बात से एनसीबी के अधिकारियों ने फिलहाल इनकार कर दिया है। कहा है कि ड्रग्स प्रोक्योरमेंट में भी दीपेश का हाथ था, इसलिए उससे अभी भी जानकारी और इकट्ठा करी जा रही है। एनसीबी के अधिकारी का कहना है कि उनके पास और भी कई नाम आए हैं, चाहे वो अब्बास था जिससे पूछताछ करी, चाहे वो कर्ण अरोरा था, चाहे उसके बाद जैद था, बासित था, जेसन उर्फ इब्राहिम, इन तमाम लोगों से जो बातचीत करी गई है उनके बाद कई नाम सामने आए हैं। तो इस कड़ी में सिर्फ सौविक चक्रवर्ती, सैमुअल मिरांडा ही या जैद और बासित ही नहीं है जिनके हाथों में पूरी जानकारी है, कई और नाम जो है सामने आए हैं। एनसीबी के अधिकारी का कहना है कि बॉलीवुड की कई ए-लिस्टर्स हैं जिनके नाम सामने आ गए हैं। बड़ा सवाल तो यही है, क्या वो ए-लिस्टर्स भी अब यहां पर एनसीबी के कटघरे में खड़े होंगे या नहीं होंगे? थोड़ी देर बाद यहां पर एक मिनी प्रेस कॉन्फ्रेंस होने वाली है, एनसीबी के अधिकारी होंगे। अब देखते हैं क्या क्या खुलासे होते हैं। बनाए रखिए पंकज, बिल्कुल लौटेंगे आपके पास। मुस्तफा, कुछ अपडेट आपके पास, फिर उसके बाद आशुतोष के पास भी चलेंगे। जी मुस्तफा। जी बिल्कुल, ये जो पूरा मामला अभी तक समझ में आ रहा है नवजोत, इसमें ये आप समझ लीजिए कि बात सिर्फ इतनी नहीं है कि एनसीबी क्या तहकीकात कर रही है, बात अब ये है कि टेक्निकली उस चीज को चैलेंज किया जा रहा है। एनडीपीएस के केसेस नॉर्मली जिस तरह से नहीं चलते हैं उस तरह से इस केसेस में गिरफ्तारी की जा रही है। लॉयर्स एक के बाद एक इस चीज को चैलेंज कर रहे हैं, जैसे कि एनडीपीएस एक्ट की बुक सतीश माने शिंदे ने मजिस्ट्रेट को थमा दी, जो वकील है उन्होंने जाके सेशंस कोर्ट में बेल की मांग कर दी जबकि रिमांड दी गई है और कस्टडी चालू है। तो एक बहुत बड़ा हर्डल ये एनसीबी के लिए उठ सकता है, उनको जाकर कोर्ट में ये सारी बातें क्लियर करनी होगी। सारे सेक्शंस जो वो यहाँ पर रेफरेंस दे रहे थे अब तक, उन सारे सेक्शंस का रेफरेंस दे करके उसको टेस्ट ऑफ लॉ जो है वो स्टैंड कराना होगा, तभी एनसीबी भी स्मूथली इस केस की तहकीकात आगे कर सकती है। बिल्कुल आशुतोष, आशुतोष प्रेस कॉन्फ्रेंस करने वाली है नवजोत, देखिए जहां तक दीपेश सावंत की बात है। जी आशुतोष, बड़ी खबर कुछ ही क्षणों में एनसीबी प्रेस कॉन्फ्रेंस कर सकती है और ये पंकज वहां से हमें पूरी जानकारी दे रहे हैं क्योंकि एनसीबी दफ्तर के वहां से मौजूद है और पूरी डिटेल के बारे में एनसीबी वहां से हमें बताएगी। पंकज हमारे सहयोगी हमें बताएंगे और एनसीबी बताएगी कि आखिर अब इस पूरे मामले में आगे नया मोड़ क्या आएगा, किस किस तरीके से, क्योंकि पंकज ये बहुत इंपॉर्टेंट होगा। ये बात आज की नहीं है, ये बात पहले से सामने आती रही है कि ड्रग्स एक तरीके से पूरे बॉलीवुड में बहुत सारे ऐसे बड़े बड़े नाम है जो कि इसकी जद में आ सकते हैं। ऐसे में कितनी इंपॉर्टेंट आज की प्रेस कॉन्फ्रेंस, क्या कुछ उसमें खुलासा हो सकता है पंकज? बहुत बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण होने वाली है ये जो प्रेस कॉन्फ्रेंस होने वाली है। एनसीबी के जो अधिकारी सामने आएंगे वो क्या खुलासे करने वाले हैं, क्या बड़े नाम सामने लेकर आएंगे, इस पर हमारी निगाह बनी रहेगी। लेकिन जानकारी मैं आपको दर्शकों को ये देना चाहता हूं और महत्वपूर्ण जानकारी ये है कि कल जब बासित की रिमांड कॉपी हमारे हाथ में लगी थी तो उसमें एक बहुत महत्वपूर्ण जानकारी थी जो मैंने देखी और वो ये थी, एनसीबी के अधिकारियों का कहना था कि वो बॉलीवुड का जो सिटाडल है यानी जो किला है उसको ध्वस्त करना चाहती है। उसने ये भी कहा कि यह अभी प्रिलिमिनरी इन्वेस्टिगेशन है, कई नाम ऐसे हैं जो उसके सामने आए हैं जिनको अभी ट्रेस करना है, उनको एप्रीहेंड करना है। यानी लगता है कि एनसीबी ने इस बार अपना मन बना लिया है, जो कार्रवाई इतने सालों से पहले कभी नहीं हुई लगता है इस बार होने वाली है। महत्वपूर्ण जानकारी यह भी है एनसीबी की तरफ से कि बॉलीवुड के कई ए-लिस्टर्स हैं जिनके नाम उनके सामने अब आ चुके हैं।